तो छोड़ दो मुझे। और ये शायद नीचे आ जाए। गाइस यहाँ से भागो, खतरा है हमारे। कहाँ ढूंढे उसको यार? जब बारिश होती फातिमा, जब बारिश होती फातिमा बारिश के साथ बह जाती है। आज है हमारी कवाली नाइट इन माई यूनिवर्सिटी। सो अभी मैं रेडी हो गई हूँ। आज मेरे साथ फातिमा भी जा रही है और जैनब भी जा रही है। मैं दिखाती हूँ, दोनों फुल रेडी हो चुके हैं। लेकिन सबसे अच्छी आज मुझे मैं ही लग रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी डिफरेंट कलर पहना, दोनों ने कॉमन ब्लैक पहना हुआ है। मैं दिखाती हूँ, मेरा ब्लैक फेवरेट कलर है, खबरदार तुमने। ठीक है, मजाक कर रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ। ब्लैक सलवार मिली नहीं, इसने भी ब्लैक पहन लिया। मैं एक दफा ब्लैक कपड़े बचाए नहीं, इसलिए मुझे ये पहनना पड़ रहा है। और हिराप भी ये पहन के जा रही है। आप भी आई हो ना हमारे साथ? मैं आ रही हूँ, तुम लोग चलो पीछे पीछे आ रही हूँ। और मम्मा भी आ रही है हमारे साथ। ओ मम्मा, आपको एक चीज दिखाऊं, इन्होंने कपड़े ढूंढते हुए इतना गन डाला है ना, ये देखें कमरे को देखें, जंगली मंडी बनाया हुआ है। आगे सफाई करेंगी इतना गंद, असल में सारा गंद मैंने ही डाला है। तो इतनी ठंड है मम्मा, मुझे पता है मैं बाहर गई हूँ, मुझे इतनी ठंड लगी है। लेकिन अब मैंने ये करना है कि मैंने तैयार भी लड़की हूँ, कभी ठंड नहीं लगी, तो मैं यही साबित करूंगी। ओके मम्मी, आप मेरे साथ साथ ये शॉल दे दे मुझे, ऐसा करें। शॉल ले जाती हूँ, वहाँ पे शॉल की थोड़ी लुक भी आ जाएगी। बस क्यों छोड़ दो मुझे, हीरा भी पकड़ी जा रही है मुझे। और हम लोग इतना लेट हो गया, हमारा गेट बंद हो गया। हीरा बहुत गुस्सा करती है, बहुत गुस्से वाली लड़की है। मम्मा आखिर अपने फादर एंड मदर पे गई है, आप भी बहुत गुस्सा करती हैं। मैं किसी को कुछ सिखा रही होती हूँ ना, तो मुझे होता है भाई सही बात है इंस्ट्रक्शन। और स्पेशली जब आपके स्टूडेंट जैनब जैसे हो तो। और ये देखो मेरे टिंट हाथ पे लगे पड़े हैं। कितनी अच्छी ड्राइविंग सीखी तुम पीछे, तो मैं पता है मम्मा मुझे आती है, मैं पूरी सही चलाती हूँ। बताऊँ, उसने अगर अच्छी सीखी है ना, तो उसमें उसके ट्यूटर का वो बड़ा हाथ होता है। जल्दी करो, चलो आओ, इसको बातों में मत लगाओ, जानबूझ के बातों में लगा रही है। निकलो घर पे, यहाँ पे भी सारे इन्होंने कुर्ते शुर्ते निकाले हैं, सिलेक्ट करें, लेकिन एंड पर आकर पुराने ही पहने हैं। मैं वहाँ पे मैंने चटपुट खाना है वो खाऊंगी, मैं वहाँ पे मजे मजे खाने। आज आपको सारे स्टॉल दिखाऊंगी, कल मैंने थोड़े बहुत दिखाए थे, आज सारे दिखाऊंगी। मम्मा जी जल्दी से पैसे दो, बिल्कुल टाइम नहीं है। मैंने 1% भी गंदे डाला, हमें पैसे मिल चुके हैं, पैसे सेट करके रखा कर गिर जाते हैं। मम्मा मेरे सुने, अक्सर प्यारी लड़कियों ना अपने पैसे गंदे करके रखती है, क्योंकि ऐसे ही क्रिएटिव माइंड होता है। चलो फातिमा निकलो, जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। जैनब की दोस्त ही नहीं आ रही है यार, जल्दी करो जैनब, लेट हो गए हैं। अजी मेरा सर खपे, मुझे बच्चों की तरह इनको संभालना पड़ता है। चलो ये लो। तो यार अब मियां मसा निकल आया है, जैनब को जैनब ही नहीं अच्छी लग रही है। जैनब बहुत प्यारी लग रही हो, आपको बी कॉन्फिडेंट रहो अपना। हाँ मुझे देखो, मैं इतना तैयार होके नीचे, मैंने जूते देखो कितने गंदे पहने हैं, अभी पहनने भी नहीं है सही तरह से, जल्दी आओ। और ये देखो इन लड़कियों ने स्लीवलेस और मां ने चद्दर ली हुई। मां को इतनी ठंड लग रही है, बेटियों को कोई ठंड नहीं लग रही। मां लेट हो गया, चलो जैनब आओ यार, तो परफ्यूम लगाने की पड़ी है, मुझे गुस्सा चढ़ा रही है ये। चल 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 चल, नहीं कुछ नहीं पकड़ना, चलो जैनब बहुत प्यारी लग रही हो, चलो निकालू ना ना सारा गंदा। हाँ मैंने घर साफ, हम आएंगे तो घर साफ होगा। चलो चलो जल्दी करो, अब तो बेटा ठंड लगेगी ही। चलो गाइस, मैं आज ये रेडी हुई हूँ, नीचे मैंने जॉगर्स पहने हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा रश होता है, और मैंने छोटे छोटे झुमके पहने, एंड आज सिंपल सा मेकअप किया, अपने पिंपल को भी अच्छे से कवर कर लिया। सो लेट्स गो। मैंने आज अपनी दोस्त को बोला था कि मुझे पिक कर लो, हेलो बच्चे। अब बच्चे आते जाते हाय बोलने लगे। मैं आज बैठूंगी आगे, और ये दोनों लड़कियों को आज बिठाऊंगी पीछे, क्योंकि मेरी दोस्त आई है, तेरी नहीं आई है, चल बैठ। तो यार हमें पता चला कि वहाँ पे जो लोग लेट हुए हैं उनकी एंट्री नहीं हो रही है, तो अब हमें लग रहा है कि हमारी भी नहीं होगी, पता नहीं क्या होगा। क्या हुआ? अगर जैनब अपना कार्ड, जैनब माशाल्लाह से अपना कार्ड ही घर भूला ही है, लेकिन अब वापस आए, वापस अपने मोड़ते हैं और जाके इसका कार्ड लेकर आते हैं। तो फाइनली हमने जैनब का कार्ड घर से पकड़ लिया है, अब चलते हैं। और इस टाइम 5:30 हो गए हैं, पता नहीं अब एंट्री होती है कि नहीं होती है, फिंगर क्रॉस्ड। फातिमा आगे के जा रही है, इसकी मुझे लगता है एंट्री नहीं होनी। मैं तो यूनिवर्सिटी की हूँ भाई, मेरी तो आराम से हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी, इसे रजिस्ट्रेशन करवाई थी, इसकी नहीं होगी इस लड़की की, इसको टेंशन पड़ी हुई है। अब देखते हैं जाकर क्या होता है, मुझे तो मजा आ रहा है, आज मौसम बहुत अच्छा है। क्योंकि सो गाइस जैनब की दोस्त भी आ गई है, आज तुम्हारी एंट्री हो जाएगी, मेरी बस बहन की नहीं अभी हो रही है। हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो मैं तो फटाफट कार्ड दिखा के अंदर जा रही हूँ, आ जाओ तुम लोग भी। इस फातिमा की एंट्री हो गई है, ये लोग अभी तो चेक कर देख लो, उसकी हो गई है, हम अभी चेक करवा रहे हैं। वो हमारा आईडी, हमारा आईडी कार्ड चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो यूनिवर्सिटी, मेरा तो इजी सीन है। तो चलो गलत अंदर चलो, मेरी यूनिवर्सिटी में आई है, मुझे मुंह नहीं लगाई है, तीनों अपना काम करने चली गई है। सो गाइस ये जैनब और उसकी दोस्त हमें मिल चुके हैं, लेकिन फातिमा पता नहीं कहाँ पर घूम गई है, हम उसको ढूंढ रहे हैं। और इतनी तेज बारिश होने वाली है, अभी आसार बारिश के हैं, थोड़े थोड़े कतरे गिर चुके हैं।
आसार बारिश मुझे आती है उर्दू गाइस। तो अभी बारिश होने वाली है, हम लोग छुप छुपे कुछ खाना वगैरह खा रहे हो। इधर हम लोगों ने ना अपना एक जगह ढूंढ लिया जहाँ पे बारिश नहीं आ रही, तो हम वहाँ पे छुपे हुए हैं। पता नहीं कब इवेंट स्टार्ट होगा, अल्लाह करे इवेंट ही कैंसिल हो जाए, मजा आ जाए और अगले हफ्ते में पोस्टपोन हो जाए जब मेरा पिंपल चला जाए। तो गाइस हम लोग इधर से खाने के लिए कुछ ले रहे हैं और फातिमा हमें स्टिल नहीं मिल रही है, अभी हम उसको भी ढूंढते हैं। और बारिश भी तेज हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले फातिमा को ढूंढेंगे फिर ही कुछ करना पड़ेगा, वरना ओ शिट बारिश बहुत तेज हो गई है। और यहाँ पे ये लोग जो है ना, हमने इसका सहारा लिया और अपने आप को बारिश से बचा रहे हैं। और हमारी फातिमा बहन पता नहीं कहाँ है, मुझे लगता है वो घूम गई है, कुछ उसकी कॉल भी नहीं लग रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, कहाँ ढूंढे। और हमें भी लग रहा है कि इवेंट शायद कैंसिल हो गया है क्योंकि सारे इस टाइम भाग रहे हैं बारिश से बच के। पता चले जिन कवाल जाए ना वो आए ही ना जाए ना, तुम्हारी सारी तैयारी तो फजूल गई, वो भी बेचारी इतना तैयार होकर आई है। तैयारी का क्या ख्याल है? और अगर कैंसिल हो गया ना, हम इनको बोलेंगे कि हमारे जो पैसे मुझसे, मैंने तो भाई कोई पैसे नहीं दिए, इन्होंने जो पैसे दिए ना वापस कर लेने हैं पैसे। ओके फिर फिलहाल हमें टेंशन हो रही है फातिमा की, हम बहुत कॉल्स कर रहे हैं बट वो नहीं मिल रही है। मेरी बहन कहाँ चली गई है गाइस? हमेशा फातिमा मिल गई है, फातिमा आ चुकी है, हमारी बहन गुम गई थी और मिल गई है। वो फातिमा यार कहाँ चली गई थी तुम? आ रही है इतनी मुश्किल से। फातिमा तुम कहाँ गुम गई थी यार? इधर ही थी, हम तुम्हें इतना ढूंढ रहे थे, ऊपर से इतनी बारिश हो रही है, हम परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए। बैठ जाओ इधर आके, अब खबरदार मेरे पूछे बगैर कहीं पर गई तो अब मैं तुम लोग याद से मामा हूँ। चलो बैठो, अब हम लोग जो है ना ये खाने लगे हैं यमी यमी सा। यहाँ पे सारी लाइटें बंद हो गई हैं, सबके स्टॉल बंद हो रहे हैं और पानी जो है ना यहाँ पे आ गया पानी। हेलो गाइस, प्रोग्राम तो बढ़ गया, सारे बोलो प्रोग्राम तो प्रोग्राम बहुत खराब हो चुके हैं। इस समय कवाली कैंसिल, सब भाग रहे हैं घरों को जा रहे हैं, तो तैयारी तो खराब होगी। लगता है ये जैनब की सारी गलती है, इसकी वजह से हुआ है सब। तुम्हें बस खाने फोकस दिया, सबके स्टॉल बिक रहे हैं इधर। जैनब को बस अपनी पड़ी हुई है टाइम पे, अपनी दोस्त की शादी पे भी नहीं गई और ये सब हो रहा है। गाइस जैनब ने अपनी शादी मिस करवाई इस इवेंट के लिए और इवेंट ही कैंसिल हो गया। ये लो जी स्टॉल बंद कर रहे हैं, ये बंद हो रहा है, सब इधर इसको सहारा बना के इधर खड़े हुए हैं। अब पता नहीं क्या होगा यार, मैं तो डायरेक्ट घर जाऊंगी, पानी ऊपर चढ़ाया है सारा और ये शायद नीचे आ जाए। गाइस यहाँ से भागो खतरा है, यहाँ पे सारा पानी आ गया है और ये ऊपर से सारा पानी लीक हो रहा है। ओह शिट, यहाँ से भागो, इस स्टॉल पे खतरा है, चलो जल्दी निकलो यहाँ से। तो यार अब हम लोग अपना कुछ और शेल्टर ढूंढने जा रहे हैं क्योंकि बारिश से बचाव नहीं हो रहा, वो स्टॉल भी गिरने वाला है इस टाइम पे, अब कहीं और चलेंगे। इवेंट तो कैंसिल हो चुका है मगर शायद क्या पता ना हो, बारिश रुक जाए, यहाँ से जंप करनी पड़ेगी। तो गाइस फायदा हो गया जूते पहनने का और ये पानी पानी, सारा प्रोग्राम हो गया खराब। ये पूरे भीग चुके हैं यहाँ पर और पता नहीं अब इवेंट का क्या होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही यार। इस बारिश में ना कवाली की जगह गाना हो जाएगा, टिप टिप बरसा पानी। ओ यार एक लाइट जली है ये वाली, तो मुझे लगता है कि कुछ चांसेस हैं कि शायद इवेंट दोबारा चल पड़े एकदम से। मेरे खत्म हो गई है, बारिश तो रुक गई है लेकिन प्रोग्राम तो नहीं हुआ। यो कह रहे कि इवेंट कैंसिल नहीं और डिले हुआ है, आधे घंटे में स्टार्ट हो जाएगा, खुश हो जाओ। सारे खुश हो रहे हैं यहाँ पे। गाइस बारिश फिर से तेज हो गई, मुझे लग रहा है कि इवेंट अब तो वापस कंटिन्यू नहीं होगा, हमें कहीं ऐसी जगह पे खड़ा होना था जहाँ बारिश नहीं आ रही। यार अंदर चलते हैं, चलो भाग जल्दी, चलो जल्दी, चलो जल्दी, चलो इतना रश पड़ गया यहाँ पर, चलो चलो चलो। तो यार ये देखिए स्टॉल सारे इन्होंने अंदर लगा लिए क्योंकि बाहर बारिश बहुत तेज हो चुकी है इस टाइम पे। और हमारी फातिमा फिर घूम गई है, फातिमा फिर घूम गई है ना, कहाँ ढूंढे उसको यार। जब बारिश होती फातिमा, जब बारिश होती फातिमा बारिश के साथ बह जाती है, पता नहीं कहाँ पर। सो गाइस फाइनली इवेंट स्टार्ट हो गया, बारिश रुक गई, अब दुआ करो कि दोबारा बारिश ना हो, अगर दोबारा हुई तो फिर से इवेंट ने रुक जाना है। खैर अब सारे जो स्टॉल्स वगैरह है ना वो लग गए हैं, यहाँ पे स्टेज पे लोग भी आ गए हैं और हमारे जो आर्टिस्ट हैं कवाल है वो भी आने वाले हैं, तो अब हम फन कर सकते हैं, खुश हो जाओ तुम भी। अब टाइम है आप लोगों को दिखाने का, सारे स्टॉल जितने भी लगे सारे दिखाती हूँ। यहाँ पे तकरीबन कोई टोटल, यहाँ पे टोटल यहाँ पे कितने स्टॉल लगे हुए हैं पता है, कोई आइडिया है? तकरीबन 60 स्टॉल लगे हैं, आज आपको सारे दिखाती हूँ। चलो यार पहला स्टॉल है जैतून शर्मा का स्टॉल लगा हुआ है, टिक्के शिक्के बन रहे हैं, जिंगर बोटियां हैं और मजे का माहौल है, गुड अंकल। अच्छा दूसरा स्टॉल है जी, ये है, इस स्टॉल का नाम है अली हैदर स्पेशल फ्राई स्टॉल, हेलो अंकल। ओके तो हमारा थर्ड स्टॉल है जी बारबेक्यू का, वाओ यहाँ पे अंकल ने बारबेक्यू लगाए हुए हैं। कितने के दे रहे हैं एक सीख कबाब? 300 की एक सीख मिल रही है, मैं सब खरीदती हूँ आकर अभी लेती हूँ। यहाँ पे हमारे पराठे रोल बन रहे हैं, शायद पराठा बनता है इसे, ये पराठा बन रहा है। ओके तो थर्ड स्टॉल है हमारा कौन चोन का, ये आपका स्टॉल है? कितने की है कौन बेच रहे हैं आप? 100 की और 150 की कौन बिक्री है यहाँ पे कौन चोन लगी और ये अंकल ने साथ सेटअप किया हुआ है अपना। तो यहाँ पे आए और आके चाय पिए, इनका बेस्ट टेस्ट है ये जोहड़ा। आपको भी खाना भाई, इनके पास बनती है जी देसी चाय, चाय लवर्स कमेंट में बोले चाय चाय चाय, तो अंकल कह रहे हैं कि वो मुझे फ्री चाय देंगे फ्री चाय। ओके डन, तो मुझे दो कप लगा दे।
मजाक करी बाद में आती हूँ ठीक है। तो ये तो मेरे फेवरेट भाई हैं, इनकी फ्राइज बहुत मजे की होती है, बहुत टेस्टी होती है, मैं इनकी खाती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। तो ये फ्राइज और शॉर्मे वगैरह बेचते हैं। तो यार ये अंकल बेचते हैं दाल चावल। अंकल आपकी बिकाई हो रही है कि नहीं हो रही? नहीं हो रही। सारे आए और इनके चोर पे आके दाल चावल खरीदे जल्दी से, बहुत मजे के इनके। तो यार ये लड़के इधर खाने लगी है फातिमा। तो पता क्या हुआ है, हमारा कल वाला इवेंट कैंसिल हो गया बारिश की वजह से। अब कोई इवेंट नहीं होना, अब जो इवेंट कल था वो संडे को होगा। और इसको बस अभी ठूसने की पड़ी हुई है, पता नहीं अब क्या होगा यार, मुझे कुछ समझ। अच्छी बात है मेरा पिंपल तब तक चला जाएगा तो अच्छा प्यारी लगूंगी मुझे। हमेशा ये देख रही हूँ पिंपल की बातें करती रहती हूँ बस। सो गाइस अब फाइनली हमारी कवाली स्टार्ट हो चुकी है। सारे लोग मुझे देख रहे हैं, गाना ज्यादा मेरी आवाज है। मुझे इनके स्टॉल पर अब ये हुआ कि खत्म हो गए हैं तो मेरे बहुत मुझे बुरा लग रहा है। मैं सोचा था घर लेकर जाऊंगी। यार आज हम लोग पहले निकल गए ना, इसीलिए हम लोग को ना रश का सामना नहीं करना पड़ा और मेरा पाँव गया पानी में। ओ हो यहाँ से गुजरना पड़ रहा है। बोलो हमारे ड्राइवर अंकल भी आ गए हैं। चलो सो गाइस फाइनली वी आर होम। और मम्मा को यहाँ पता है क्या क्या हुआ है हमारे साथ? मम्मा बहुत ठंड लगी, एलीट की ठंड लगी, ठंडे। और आपको पता है वहां जाके बारिश स्टार्ट हो गई, इवेंट कैंसिल हो गया और फातिमा घूम गई। हमने फातिमा को इतना ढूंढा, मिली नहीं फातिमा। ये लड़की अपनी दोस्तों के साथ घूमती फिरती रही, हम इतने अकेले हो गए। फिर एक टाइम पे मैं भी घूमी, फिर मैं मिल गई इनको। और खैर इतनी ठंड लगी, शॉल भी ले जाना भूल गई थी मैं। मैंने कहा था लेके जाओ, इसे भी कहा था लेके जाओ। मैं खुद घर में शॉल लेके गई थी। आज का इवेंट ना थोड़ा खराब सा था, बाद में मजा, लेकिन आज का इवेंट बड़ा खराब सा था। मतलब इतना कुछ खाने लगी, भूख लग रही है। सो गाइस होप सो कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा, और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है कमेंट भी कर दो अच्छे अच्छे से। तो आप लोग वेट करते कि ज़ैनब का न्यू चैलेंज कब होगा, तो इंशाल्लाह वो जल्दी हो जाएगा। ज़ैनब को हम नया चांस देंगे तो वो भी जल्दी आएगा। खैर परसों जो है हमारा अब फैशन शो है, तो उसका आप लोग वेट करें। फैशन शो में बहुत मजा आने वाला, मॉडलिंग होगी सब होगा, तो उसका मैं व्लॉग बनाऊंगी। ठीक है सो वेट एंड वॉच। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।